अरे तू भैया भूमिका में ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम चलिए शुरू करते हैं अपने ये वीडियो को, जिसमें कमाल की और ज्ञान वर्धक दिलचस्प वीडियो दिखाएंगे, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे, बल्कि आपके ज्ञान का लेवल भी कई गुना तक ऊपर उठ जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। तो आइए भाइयों शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो भैया, आपने रिंकू भाभी का तो गाना जरूर ही सुना होगा। इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इसे होता ही नहीं। तो इस गाने से भी मिलता जुलता गाना जहाँ से इसे सोशल मीडिया पर फेमस होता जा रहा है। अब हो भी क्यों ना, इतनी बड़ी समस्या जो बन चुकी है। दरअसल भाई इन दीदी को अपने पति से शिकायत है कि वो बिल्कुल रोमांटिक नहीं है और प्यार से भी बात नहीं करते। तो ये चीज को देखते हुए पत्नी तलाक लेने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वहीं इनके पति को भी बुला लिया जाता है, पर तभी रोती हुई पत्नी को पति ने ऐसा कुछ कहा जिसे रूठी पत्नी तलाक की जगह वो प्यार से गले लग गई। अब देख लो भाई क्या किया इन भाई साहब ने। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हमारे सामने ये खतरनाक वीडियो सामने आई है, जिसमें ये शख्स अपने हाथ में चाकू लिए सबको धमका रहा है और खुद को 6 मर्डर कर चुका हूँ तो ऐसी बात कह रहा है। दरअसल ये वीडियो ऑफिस या महिंद्रा फाइनेंस है, जहाँ बिल्डिंग के मालिक का रेंट का पंगा। तभी कर्मचारी कुछ सामान लेकर जा रहे थे, तभी बिल्डिंग के मालिक की तरफ से आया ये शख्स बादशाह ठाकुर था, जो 6 मर्डर का आरोपी बता रहा था। तभी वहाँ पर एक शख्स वीडियो बनाते हुए सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं और ये वीडियो जाकर पुलिस के सामने आ जाती है। ठीक उसी के 1 घंटे बाद पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया और इन पर कई मुकदमे हो गए। और इतना ही नहीं, पुलिस ने इनकी बादशाहगिरी निकालने के लिए इनको पुलिस ने उठक बैठक भी कराई। जरा भी कैसी लगी आगे। हाल ही में कुछ दिन पहले स्पीडी किंग हरियाणवी नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये देखा गया कि पत्रकार महोदय दिवाली के मौसम में बम पटाखे जलाने पर लोगों का विचार लेने के लिए निकले कि आप लोग पटाखे फोड़ते हैं कि नहीं। कुछ जवाब हाँ में मिले तो कुछ जवाब ना में मिले। फिर उसके बाद ये जनाब पहुंच गए ये दो मोहतरमा के पास। तो दीदी से पूछा कि आप पटाखे जलाती हैं? तो दीदी बोली हाँ 2 से 3 हजार के पटाखे फोड़ देती हैं। लेकिन भैया पत्रकार भाई ने दीदी को ऐसा जवाब दिया जिसे सुनना तो बनता है बॉस। देखो सुनो सुनो, पटाखे फोड़ते हैं आप लोग? हाँ मैं तो फोड़ती हूँ, 2-3 हजार की फोड़ लेती हूँ। पहली बार सुन रहा हूँ पटाखा भी पटाखा फोड़ता है। बड़ा हरामी हो। दोस्तों आज के टाइम में सोशल मीडिया पर सभी एक्टिव रहते हैं, जहां पर आए दिन नई नई वीडियोस तो वायरल होती रहती हैं। तो ऐसी पाकिस्तान से ओए आयशा नाम की इंस्टाग्राम आईडी पर ये लड़की का डांस सभी को पसंद आ रहा है। अब आए भी क्यों ना, आयशा ने जो इतना लाजवाब डांस जो किया है, तो जरा आप भी इस डांस पर नजर डालिए। इतना सुकून। अब दोस्तों इस डांस के लिए 1 लाख तो बनता है बॉस। अब कोई भी हमारे देश का मजदूर अपने कंधों पर भारी भरकम बोझ को अपने कंधों पर नहीं बल्कि इन भाई साहब की तरह जुगाड़ लगाकर ले जा सकता है। Nothing can stop me, I'm all the way। आइए बहनों, यह देश बदल रहा है। बात तो सही है।